दोस्तों, क्या सूर्यवंशी और राधे ऐसी वो फिल्में होंगी जो कि ऑडियंस को खींच के लाएगी सिनेमा घरों में? क्या जब कभी भी इनकी ओपनिंग होगी तब दर्शक दौड़े चले आएंगे? वेल, दोस्तों, आपको बताना चाहता हूं कि किस तरीके से मल्टीप्लेक्स ओनर्स और सिंगल स्क्रीन थिएटर ओनर्स आपस में मिल गए हैं। स्वागत है आपका बॉलीवुड स्पाई में। आ गया है राहुल भोज। आप लोगों को मल्टीप्लेक्स और सिंगल स्क्रीन थिएटर के ओनर्स की बात बताने के लिए। दोस्तों, फिल्में एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुई है, स्पेशली अगर डिस्ट्रीब्यूटर्स, प्रोड्यूसर्स, यू नो, थिएटर ओनर्स या सिंगल स्क्रीन थिएटर ओनर्स, हर कोई जो है इस लॉकडाउन से, हर कोई जो है इस संक्रमण से जो है दोस्तों ग्रसित है। हम सबको पता है, लोगों का बिजनेस बंद हो गया है, जॉब्स चली गई हैं। ऐसे में आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, तो प्रोड्यूसर्स की तरफ से ऐसे में आप लोगों को बताना चाहता हूँ दोस्तों, तो मल्टीप्लेक्स थिएटर ओनर्स की तरफ से सरकारों से बातचीत हो रही है, स्टेट गवर्नमेंट और साथ ही साथ देश की जो सरकार है उनसे बातचीत हो रही है। और ये बातचीत इस तरीके से है कि अगर सब कुछ सही रहता है तो 15 जून से 30 जून के बीच में सिनेमा घर जो है वो खुल जाएंगे। जी हाँ, इस तरीके की खबरें हैं दोस्तों। एंड देखिए, अब गवर्नमेंट इस पे कितना इंटरफेरेंस करती है। थिएटर बंद हुआ दोस्तों, उससे नुकसान हुआ। थिएटर चालू होंगे तो क्या उससे फायदा होगा? क्योंकि देखिए, सोशल डिस्टेंसिंग से लेकर आप सैनिटाइजेशन, ये सारी ही बातों की गाइडलाइन जो है थिएटर ओनर्स को माननी पड़ेगी। और आपको बता दूं तो जितने भी थिएटर ओनर्स हैं उनकी तरफ से एक प्लान भी गवर्नमेंट को जा चुका है। देखते हैं गवर्नमेंट इस पर क्या रिएक्शन लेती है। लेकिन जैसे ही सिनेमा घर खुलेगा तो कुछ फिल्में जैसे कि 83, जैसे कि सूर्यवंशी, जैसे कि राधे, ये वो फिल्में हैं जो कि इंतजार में है कि कब रिलीज होंगी, राइट? तो क्या जो जनता है जो ऑलरेडी डेरी सेमी अपने घर पे बैठी हुई है, क्या वो सिनेमा घर में जाएंगे पिक्चर देखने के लिए? ये भी बहुत बड़ा सवाल होगा। लेट्स सी आप लोगों का क्या रिएक्शन है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बने रहिए चैनल के साथ, कीप ऑन वॉचिंग। नमस्ते दोस्तों, पास्ट में आपने बॉलीवुड स्पाई को ढेर सारा प्यार दिया, सम्मान दिया, जिसके लिए मैं बहुत ज्यादा धन्यवादी हूँ। अब वक्त आया है एक नए चैनल को प्यार और सम्मान देने का, यानी कि फूड स्पाई को, जहां पर आपको अलग अलग अनोखी रेसिपीज तो मिलेंगी, साथ ही साथ बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज क्या खाते हैं, उनके डाइट प्लान्स क्या हैं, और तरह तरह की अलग अलग जानकारी मिलेगी। तो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है फूड स्पाई का, उसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर भी कीजिए। चलता हूँ।